दोस्तों WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना खुद का फोटो कैसे सेट करना है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको दूसरा WhatsApp डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप इसी WhatsApp के अंदर दोस्तों अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं मात्र एक सेटिंग से, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसे बस आपको इनेबल कर देना है, उसके बाद आसानी से आप WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फोटो लगा पाएंगे या फिर आप किसी का भी फोटो यहाँ पर सेट कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते है, जब भी हम WhatsApp को ओपन करते हैं तो इसी प्रकार से व्हाइट कलर का यहां पर बैकग्राउंड आता है, जो कि काफी ज्यादा पुराना है, बोरिंग सा लगता है। लेकिन अगर यहां पर आप अपना खुद का फोटो लगा देंगे तो आप सोच सकते हैं WhatsApp कितना कमाल का दिखेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फोटो लगाएंगे, अपना खुद का या फिर किसी का भी फोटो यहाँ पर सेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि WhatsApp के अंदर दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसा फीचर नहीं दिया है जिससे हम WhatsApp के होम स्क्रीन पर अपना फोटो लगा पाए। लेकिन अगर हमें किसी के चैट पर फोटो लगाना होगा बैकग्राउंड में, तो यहाँ पर दोस्तों फीचर दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम किसी के चैट पर आसानी से मतलब कि फोटो लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसे हम सेट कर देंगे, यहाँ पर ओके कर देते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में दोस्तों वो फोटो यहां पर सेट हो गया है। लेकिन बात किया जाए होम स्क्रीन का, तो यहां पर कोई भी ऐसा फीचर नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे दोस्तों आप अपने ओरिजिनल जो WhatsApp आपके फोन के अंदर है उसी में दोस्तों अपना फोटो बैकग्राउंड में आप लगा पाएंगे। उसके लिए बस आपको एक ट्रिक को अपने फोन में अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, WhatsApp को ओपन कर लेना है। ये जो होम स्क्रीन है इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसा कि आप देख लीजिए इस प्रकार से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके फोन में जो भी एक फोटो एडिटिंग वाला ऐप है, कोई भी एक ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे फोन में पिक्सआर्ट है, तो मैंने यहां पर पिक्सआर्ट को ओपन कर लिया है। आपके फोन में पिक्सेल लैब है तो उसे आप ओपन कर सकते हैं। और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसे यहां पर आपको ले लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों जो आप फोटो सेट करना चाहते हैं उस फोटो को यहां पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये फोटो सेट करना चाहता हूं, या फिर जो भी यहां पर मतलब कि सभी ऑप्शन दिया गया है, जो भी आप अपनी गैलरी से फोटो लेना चाहते हैं, तो मैं ये फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं। ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं, अब ये फोटो यहां पर आ जाएगा। तो इसे आपको इस प्रकार से जूम कर लेना है, पूरा ये जो आपका स्क्रीनशॉट है ना इतना बड़ा दोस्तों आपको इस फोटो को कर लेना है। तो यहां पर दोस्तों हम इसे पूरा का पूरा जूम कर लेते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए। इस प्रकार से आपको पूरा इसे फिट कर देना है, उसके बाद यस के बटन पर क्लिक कर देना है और इसे दोस्तों आपको अपने फोन के अंदर सेव कर लेना है। ठीक है, इतना सबसे पहले आपको काम करना है। ये आसानी से आप किसी भी फोटो एडिटिंग वाले ऐप के अंदर कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे दोस्तों आप यहां पर अपना फोटो लगा पाएंगे। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों आपको यहां से बैक आ जाना है पूरा। अब यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है, अपने फोन में ये एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर वहां पर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप को अब आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है, जिसका नाम है डिजाइनर टूल्स। आप यहां पर देख सकते हैं, अब इसे ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको नीचे चले आना है, यहां पर दोस्तों आपको मॉकअप ओवरले देखने को मिल जाता है। तो ये जो बड़ा सा यहां पर डिस्प्ले दिया हुआ है इसके ऊपर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब जो फोटो दोस्तों अभी अभी आपने एडिट किया है उस फोटो को आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसा कि आप देख लीजिए हमने उस फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां से दोस्तों आपको इसे ऑन कर देना है। जैसा कि आप देख लीजिए इसे ऑन करने के बाद दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कैपेसिटी, ये दोस्तों 10% पे होगा, तो इसे पूरा आपको फुल कर देना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फुल करने के बाद अब आपको होम पर आ जाना है। अब दोस्तों आप अपना WhatsApp ओपन करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं WhatsApp के होम स्क्रीन पर दोस्तों आपका फोटो आ चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, देख रहे हो WhatsApp के होम स्क्रीन पर दोस्तों आपका खुद का फोटो यहां पर आ चुका है। और पहले जो यहां पर सिर्फ व्हाइट कलर आ रहा था उससे दोस्तों लाख गुना अच्छा दोस्तों यहां पर ये देखने को मिल रहा है। यहां पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का फोटो लगा सकते हैं, या फिर आप किसी का भी फोटो यहां पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दूसरा WhatsApp डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके फोन के अंदर जो WhatsApp है उसी में दोस्तों आप ये चीज कर सकते हैं। बस आपको एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करना है जो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि आपके पूरा होम स्क्रीन
स्क्रीन पर दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई और ऐप ओपन करेंगे तो उसमें भी दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है, इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आपको दोस्तों यह ट्रिक, यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।